Now next one, two dimensional array versus pointer concept. जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था, वन डायमेंशनल एरे के रिस्पेक्ट में सारे के सारे एक्सप्रेशन मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर कन्वर्जन. सिमिलरली टू डायमेंशनल एरे के केस में बात करें, टू डायमेंशनल एरे भी मेमोरी लेवल पर प्रोसेस किस फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर कन्वर्जन और पॉइंटर एक्सप्रेशन. देन इसके रिस्पेक्ट में चेक करें व्हाट इज द इक्विवेलेंट पॉइंटर एक्सप्रेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई वन डी एरे अवेलेबल लाइक ए ऑफ आई के रिस्पेक्ट में जस्ट मैंने आपको मेंशन किया था, ए ऑफ आई का इक्विवेलेंट पॉइंटर कन्वर्जन क्या रहेगा, जस्ट स्टार ए प्लस आई. इस केस में ए क्या है, ए इज एरे नेम और आई क्या है, एनी इंडेक्स और वैलिड इंडेक्स. क्लियर. सिमिलरली अगर बात करें अबाउट टू डायमेंशनल एरे, मीन्स टू डायमेंशनल एरे के रिस्पेक्ट में टू डी एरे एक्सप्रेशन भी इंटरनली प्रोसेस किस फॉर्म में, ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर एक्सप्रेशन. देन इस केस में जस्ट फाइंड आउट करना व्हाट इज द इक्विवेलेंट पॉइंटर एक्सप्रेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे और टू डी एरे एक्सप्रेशन. या सिंपल थिंग्स, सपोज दैट इस केस में जस्ट आप इसको ट्रीट कर लो, कंप्लीट एक्सप्रेशन को ट्रीट कर लो एज अ एक्स. इसका जस्ट मीनिंग क्या हुआ, एक्स ऑफ जे. इसे जस्ट मैंने एक्स किस प्लेस पर पुट किया, पुट एक्स इन प्लेस ऑफ ए ऑफ आई. अगर ए ऑफ आई के प्लेस पर एक्स यूज करें तो टर्म किस फॉर्म होगा, इन द फॉर्म ऑफ एक्स ऑफ जे. यानी एक्स ऑफ जे मीन्स अब आपको किस फॉर्म में शो हो रहा है, लुक्स लाइक अ वन डायमेंशनल एरे. वन डायमेंशनल एरे का इक्विवेलेंट पॉइंटर कन्वर्जन क्या, लाइक दैट स्टार ए के प्लेस पर अपीयर किया हुआ एक्स, तो स्पेस पर क्या आ जाएगा, जस्ट एक्स प्लस आई के प्लेस पर अपीयर किया हुआ जस्ट जे. दिस इज द केस ऑफ एक्स ऑफ जे. नेक्स्ट वन, एक्स जस्ट मैंने पुट किस प्लेस पर किया था, इन प्लेस ऑफ ए ऑफ आई. तो एक्स के प्लेस पर अगेन ए ऑफ आई कॉपी करना पॉसिबल नहीं है, एक्स के प्लेस पर सिंपली राइट डाउन क्या कर सकते हैं, ए ऑफ आई प्लस जे. अगेन ए ऑफ आई के रिस्पेक्ट मत करें, तो ए ऑफ आई को अगेन ओपन करना पॉसिबल है, ए ऑफ आई इटसेल्फ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एज अ वन डायमेंशनल एरे. तो वन डायमेंशनल एरे के रिस्पेक्ट में ए ऑफ आई का इक्विवेलेंट कन्वर्जन क्या रहेगा, अगेन स्टार ए प्लस आई प्लस जे. दिस इज द इक्विवेलेंट पॉइंटर कन्वर्जन ऑफ टू डायमेंशनल एरे. मीन्स अगर आपके पास कोई भी टू डी एरे के फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन अवेलेबल लाइक दैट, देन इसका इक्विवेलेंट पॉइंटर कन्वर्जन क्या रहेगा, लाइक दैट. क्लियर. इसको जस्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई टू डी एरे डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया लाइक दैट इंटीजर, जस्ट ए स्मॉल एरे क्रिएट कर रहा हूँ, इस केस में टोटल नंबर ऑफ रो कितने, टू रोज थ्री कॉलम्स एंड हैविंग सम एलिमेंट. टोटल एलिमेंट्स कितने क्रिएट होंगे इसमें, सिक्स एलिमेंट्स. मैंने असाइनमेंट करा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 लाइक दैट. तो इस केस में जस्ट अगर डायग्राम के रिस्पेक्ट में बात करें, इसका डायग्राम क्या रहेगा, नंबर ऑफ रो कितने क्रिएट हो रहे हैं, एग्जैक्टली टू रो. एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने क्रिएट होंगे इस केस में, एग्जैक्टली थ्री कॉलम्स. थ्री कॉलम के रिस्पेक्ट में जस्ट क्रिएट करेंगे लाइक दैट. देन इसे कंप्लीट एरे की बात करें, इस कंप्लीट एरे का नेम क्या है, ए. सपोज दैट अगर एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 है, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, 102 104. देन अगेन नेक्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा इसके, इसमें 106 एंड 108. ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, इस जस्ट टू डी एरे के केस में रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म होगा, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स. लेकिन मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, टू डी एरे मेमोरी लेवल पर किस फॉर्म में क्रिएट होंगे, एज अ वन डायमेंशनल एरे. मीन्स कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्मेट. मीन्स जस्ट 106 क्या हुआ, नेक्स्ट लोकेशन ऑफ 104. मीन्स सारे के सारे मेमोरी एलोकेशन किस फॉर्म में, एज अ सिंगल रो. क्योंकि रैम मेमोरी किस फॉर्म में डिवाइड होता है, एज अ सिंगल रो. देन फाइनली 110. क्लियर लाइक दैट. फर्स्ट प्लेस पर वैल्यूस आने हुआ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. जस्ट इस केस में रो इंडेक्स की बात करें, रो का इंडेक्स क्या है, 0 एंड 1. कॉलम इंडेक्स की बात करें तो कॉलम इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2. देन इस केस में स्पेशली कॉन्सेंट्रेट करना व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट रो. फर्स्ट रो को एक्सेस करने का वे क्या हुआ, ए ऑफ 0. व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंड रो, सेकेंड रो का नेम क्या है, ए ऑफ 1. व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का नेम क्या है इस केस में, एलिमेंट को एक्सेस करेंगे यूजिंग रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स. तो इस केस में रो इंडेक्स भी 0 और कॉलम इंडेक्स भी क्या है, ऑल्सो 0. क्लियर. नेक्स्ट केस में एलिमेंट का नेम क्या हुआ, ए ऑफ 0 ऑफ 1.
a of 0 of 2, clear. Similarly a of 0, sorry, इस केस में रो का इंडेक्स क्या है, 1 of 0, clear. And a of 1 of 1, finally a of 1 of 2. ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया था, अगर किसी भी लोकेशन का एड्रेस एन है देन उसी लोकेशन का एक और नेम क्या हुआ, वन मोर नेम इज स्टार एन. तो इस केस में जस्ट बात करें, इस लोकेशन के एलिमेंट का एड्रेस क्या है, 100. इस केस में आपको फाइंड आउट करना है, जस्ट इस होल एरे के रिस्पेक्ट बात करें तो होल एरे का नेम क्या है, ए, प्लस होल एरे का बेस एड्रेस क्या है, 100. तो एरे के बेस एड्रेस के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, इसे कंप्लीट ब्लॉक का नेम क्या है, ए, और इसे कंप्लीट ब्लॉक का बेस एड्रेस भी क्या है, ऑल्सो ए, सॉरी ऑल्सो 100. तो 100 के रिस्पेक्ट में इसका एक और नेम क्या हुआ, समथिंग स्टार 100, क्लियर. स्टार 100 से रेफर क्या हो रहा है, होल एरे का नेम. वन मोर थिंग्स, इसे फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो का करेंटली नेम क्या है, ए ऑफ 0, नेम क्या है इस केस में, ए ऑफ 0. लेकिन इसे फर्स्ट रो का भी बेस एड्रेस क्या है, ऑल्सो 100. तो इस केस में फर्स्ट रो का भी नेम क्या हो सकता है, स्टार 100. सिमिलरली फर्स्ट एलिमेंट का भी एड्रेस क्या है, 100. तो फर्स्ट एलिमेंट का भी नेम क्या हो सकता है, ऑल्सो स्टार 100. अगर स्टार 100 फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में चेक करो तो इससे कितने बाइट्स रेफर होना है, 2 बाइट्स. अगर स्टार 100 रो के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे तो इस केस में कितने बाइट्स रिप्रेजेंट हो रहा है, 6 बाइट, नेम ऑफ 6 बाइट. अगर स्टार 100 होल एरे को रेफर कर रहा है इस केस में स्टार 100 कितने बाइट्स का नेम होगा, डिपेंड करे वाड़ी द साइज ऑफ एरे से, एरे का साइज क्या है, 12 बाइट्स. तो इस केस में स्टार 100 कितने बाइट्स को रेफर करेगा, 12 बाइट्स. जस्ट सेम केस में प्रूव करना चाहता हूं बाय यूजिंग दैट एक्सप्रेशन. वन मोर थिंग्स, लास्ट टाइम आपको याद, मैंने आपको कुछ एक्सप्रेशन एक्सप्लेन किए थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस ऑफ ए के केस में तो श्योर हो, एड्रेस ऑफ ए के केस में क्या है, इसे एरे का बेस एड्रेस, और बेस एड्रेस क्या है, 100. लेकिन अगर इसे एड्रेस ऑफ ए में आप 1 से इंक्रीमेंट कराओ तो इंक्रीमेंट कितने से होगा, एड्रेस ऑफ ए कितने बाइट्स का एड्रेस है, जस्ट होल एरे का एड्रेस, और होल एरे का साइज क्या है, 12 बाइट्स. तो इस केस में इंक्रीमेंट भी कितने से हुआ था, 12 से. एरे का बेस एड्रेस 100 है, 100 प्लस 12 क्या है, जस्ट 112, क्लियर. जस्ट अगर रिवाइज करो जिससे आपके लिए पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इजीली समझना पॉसिबल हो. नेक्स्ट केस, अगर मैं सिंपली राइट डाउन करता हूं ओनली ए के प्लेस पर भी क्या रिप्लेस होगा, एरे का एड्रेस. लेकिन एरे नेम से रिप्रेजेंट क्या होगा, होल एरे का एड्रेस, और एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, और एरे के फर्स्ट रो का एड्रेस. एरे नेम इटसेल्फ रेफर क्या करता है, ऑलवेज एरे के फर्स्ट रो का एड्रेस, और फर्स्ट रो का साइज क्या है, 6 बाइट. इस केस में एड्रेस 100 ही है. लेकिन अगर आप एरे नेम में इंक्रीमेंट कराओ तो इंक्रीमेंट कितने से होगा, साइज ऑफ एनी रो, रो का साइज क्या है, 6 बाइट. तो इस केस में इंक्रीमेंट कितने से होगा, जस्ट 6. स्पेशली याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म, क्लियर. मीन्स एरे नेम से जस्ट रेफर क्या होता है, होल एरे का एड्रेस और एरे के फर्स्ट रो का एड्रेस, एरे के फर्स्ट रो का एड्रेस. इसलिए इंक्रीमेंट भी कितने से हो रहा है, साइज ऑफ रो. नेक्स्ट वन, अगर मैं यूज करता हूं इस केस पर, इस प्लेस पर एड्रेस ऑफ ए जीरो. ए जीरो इस केस में क्या है, रो का नेम, इस रो का भी एड्रेस क्या है, ऑल्सो 100. तो इस केस में भी क्या आएगा, 100. लेकिन एड्रेस ऑफ ए जीरो से रेफर क्या हो रहा है, इस फर्स्ट रो का एड्रेस, मीन्स कितने बाइट का एड्रेस रिप्रेजेंट हो रहा है, 6 बाइट. तो इस केस में जस्ट अगर आप इंक्रीमेंट परफॉर्म कराओगे तो इंक्रीमेंट कितने बाइट से होगा, जस्ट 6. अगेन क्या आएगा इस केस में, 106. मीन्स फाइनली सेकेंड और थर्ड इन दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली सेम. वन मोर केस, अगर मैं इस प्लेस पर यूज करता हूं एज अ जस्ट एड्रेस ऑफ, और सिंपली मैंने रेफर किया ओनली ए ऑफ जीरो. तो ए जीरो के रिस्पेक्ट मत करें, ए जीरो क्या है, इस फर्स्ट रो का नेम, ए जीरो का नेम ऑफ फर्स्ट रो, और सिंपली ए जीरो या ए वन को आप कंसीडर करो एज अ वन डायमेंशनल एरे, और वन डायमेंशनल एरे के नेम में जब भी इंक्रीमेंट कराते हैं या वन डायमेंशनल एरे नेम से रिप्रेजेंट क्या होता है, होल एरे का एड्रेस और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. जैसे इस केस में 2D एरे के केस में एरे नेम से क्या रेफर हुआ, फर्स्ट रो का एड्रेस. सिमिलरली ए ऑफ जीरो और ए ऑफ वन अपने आप में क्या है, वन डायमेंशनल एरे, और वन डायमेंशनल एरे नेम से रिप्रेजेंट क्या होता है, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. या ए जीरो क्या रेफर कर रहा है, इस एरे के या वन फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, मीन्स विच एड्रेस, ए जीरो जीरो एड्रेस. मीन्स इस केस में एड्रेस क्या आएगा, 100. स्पेशली याद रखना,
ए ऑफ जीरो इन केस ऑफ वन डायमेंशन टू डी एरे, टू डी एरे के केस में ए ऑफ आई से रेफर क्या हुआ, गिवन रो के बेस, रो का बेस एड्रेस, अगर ए जीरो यूज किया तो ए जीरो का बेस एड्रेस 100, अगर मैं ए ऑफ वन यूज करता था ए ऑफ वन से क्या था इस केस में 106। इस केस में जस्ट आपको मोस्टली कंफ्यूजन क्या रहता है, चेक इट, इस केस में जस्ट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, अगर किसी लोकेशन का एड्रेस एन है, अगर आप स्टार में से उसी लोकेशन का एक और नेम क्या हो जाएगा स्टार एन, तो ये प्रॉपर्टी इस केस में अगर आप चेक करोगे स्पेस पर इसका इक्विवेलेंट केस क्या रहेगा, ए ऑफ जीरो इज इक्विवेलेंट टू स्टार ए प्लस जीरो, स्टार ए प्लस जीरो को अगर आप रिजॉल्व करते तो इस केस में क्या आएगा, जस्ट ए के प्लेस पर क्या जाएगा 100 प्लस जीरो, 100 प्लस जीरो इस केस में जीरो के अमीन से अगेन क्या आएगा स्टार 100, लेकिन क्वेश्चन ये है कि स्टार 100 जस्ट मैंने अभी आपको मेंशन किया था, स्टार 100 से फर्स्ट एलिमेंट भी रिप्रेजेंट हो रहा है, स्टार 100 से फर्स्ट रो भी रिप्रेजेंट हो रहा है, स्टार 100 से होल एरे भी रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन इस केस में स्टार 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स डिपेंड करेगा इसे स्टार 100 आपने जनरेट किससे किया ए जीरो से, तो ए जीरो किसका नेम है, ए जीरो इज अ नेम ऑफ रो और स्टार 100 भी क्या है ऑल्सो नेम ऑफ रो, तो इस केस में स्टार 100 क्या है जस्ट नेम ऑफ दिस रो, क्लियर, स्पेशली याद रखना, तो इस केस में और किसी भी रो में से ए जीरो के प्लेस पर क्या आएगा एरे का बेस एड्रेस, तो स्टार 100 के प्लेस पर भी क्या आना चाहिए बेस एड्रेस, में से ए जीरो के प्लेस पर क्या आएगा, ए जीरो क्या है रो का नेम, इस रो का एड्रेस क्या है 100, तो स्पेस पर क्या प्रिंट होगा 100, ये स्पेशली याद रखना, स्टार 100 के केस में स्पेस पर क्या डिस्प्ले होगा ऑल्सो 100 के, इन दोनों के मीनिंग कैसे सेम, जस्ट इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर इस डायग्राम को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, गिवन केस ए ऑफ आई प्लस जे, फॉर एग्जांपल अगर आपने राइट डाउन किया ए ऑफ वन ऑफ टू, इसको जस्ट अगर आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट करो तो डायरेक्टली वन ऑफ टू में आपको क्लियरली सो रहा है ए ऑफ वन ऑफ टू में क्या स्टोर है 6, लेकिन जस्ट इसको रिप्रेजेंट करना पॉइंटर एक्सप्रेशन के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर एक्सप्रेशन, अगर पॉइंटर्स में इसको कन्वर्ट कराएंगे इसका इक्विवेलेंट पॉइंटर कन्वर्जन क्या रहेगा स्टार, इसको कंसिडर कर लो एज ए और टू को कंसिडर कर लो एज आई, तो इसका मीनिंग क्या हुआ स्टार ए से आपको कन्फ्यूजन होगा इसलिए मैं डिफरेंट नेम यूज कर रहा हूँ एक्स, इसका मीनिंग क्या है एक्स प्लस आई और आई मीन्स टू, क्या गया स्पेस पर टू, क्लियर, देन एक्स किसके प्लेस पर आया था ए ऑफ वन के प्लेस पर, तो एक्स के प्लेस पर क्या राइट डाउन कर सकते हैं जस्ट ए ऑफ वन, क्लियर, नेक्स्ट वन आगे ने इसको कंक्लूड करें तो क्या स्टार ए ऑफ वन को कैसे राइट करोगे स्टार ए प्लस वन प्लस टू, क्लियर, नेक्स्ट वन स्टार स्टार ए प्लस वन के केस में बात कर रहा हूँ, ए इस केस में क्या है होल एरे का नेम इज दैट नेम, और एरे नेम में जब भी इंक्रीमेंट कराते तो इंक्रीमेंट कितने से होता साइज ऑफ सिंगल रो, एरे नेम से क्या रिप्रेजेंट होगा एरे का फर्स्ट रो का एड्रेस, फर्स्ट रो का साइज अगर 6 बाइट है तो इंक्रीमेंट भी कितने से होगा इस केस में 6, स्पेशली याद रखना, तो ए के प्लेस पर क्या आएगा एरे का बेस एड्रेस 100, लेकिन इस केस में इंक्रीमेंट कितने से होगा साइज ऑफ ईच रो प्लस 2, इस फाइनली केस में इंक्रीमेंट कितने से हुआ 6 से, तो स्पेस पर क्या है स्टार 106 प्लस 2, क्लियर, नेक्स्ट वन, अब स्टार 106 क्या है जिस टाइप से स्टार 100 क्या है फर्स्ट रो का नेम, फर्स्ट एलिमेंट का नेम और होल एरे का नेम, सिमिलरली इस रो का एड्रेस क्या है 106, तो इस रो के एड्रेस के रिस्पेक्ट में 106 इस एलिमेंट का भी नेम है प्लस स्टार 106 इस रो का भी नेम है, क्योंकि रो का भी बेस एड्रेस 106 है और एलिमेंट का भी एड्रेस 106 है, तो इस केस में ये जो वो स्टार 106 है किसके सिमिलर है ए ऑफ वन के, और आपको जस्ट मैंने अभी आपको बताया था ए ऑफ जीरो के प्लेस पर क्या आएगा एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, तो इस प्लेस पर भी ए ऑफ वन के प्लेस पर क्या आएगा एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस विच इज 106, अगर इस प्लेस पर 106 आ रहा है तो स्टार 106 के प्लेस पर भी क्या आएगा ऑल्सो 106, क्लियर, देन फाइनली इस प्लेस पर अगेन क्या रिप्लेस हो रहा है यहाँ स्टार 106 से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है इस फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, इसे इसके से नेक्स्ट टाइम जब 106 रिप्लेस होगा तो स्टार 106 मीन से यहाँ 106 क्या है इस फर्स्ट एलिम फर्स्ट सॉरी सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और इस एलिमेंट का साइज क्या है 2 बाइट, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप 106 में इंक्रीमेंट करो चेक कर सकते हो जब इस केस मैंने 100 में इंक्रीमेंट कराया तो कितने से हुआ 6 से, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये 106 स्टार कन्वर्ट किस में जाएगा स्टार 106 में और स्टार 106 से रेफर क्या हो रहा है सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का साइज 2 बाइट है, इसलिए स्टार 106 के प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ एड्रेस 106,
लेकिन यार जब नेक्स्ट टाइम 2 से इंक्रीमेंट करो तो 106 होल एरे का एड्रेस है या रो का एड्रेस है, रो के किसी एलिमेंट का एड्रेस है। मीन्स यहाँ 106 क्या है, रो के किसी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, और एलिमेंट का साइज क्या 2 बाइट। तो यहाँ मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ इंक्रीमेंट अगर 1 से कराते तो कितने से होता 2 से, और 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई कितने से होगा 2 से। तो इस केस में मीन्स इंक्रीमेंट कितने से होगा जस्ट 4 से। क्लियर। नेक्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट स्पेशली याद रखना, फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट कितने से होगा 6 से, साइज ऑफ रो। अगेन नेक्स्ट टाइम आपने इंक्रीमेंट कराया मीन्स साइज ऑफ रो से क्या रिप्रेजेंट हुआ, मीन्स इस रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, सॉरी होल रो का नेम, स्टार 106 क्या रिप्रेजेंट करा रो का नेम, और रो के नेम में इंक्रीमेंट करा हुए और रो नेम से रिप्रेजेंट किया था रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, इसलिए मैंने यहाँ 106 अगेन रिप्लेस किया है। लेकिन ये यहाँ 106 का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, इंक्रीमेंट 2 से कराओ तो इंक्रीमेंट कितने से होगा इस केस में, साइज ऑफ ईच एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट का साइज 2 बाइट है तो यहाँ इंक्रीमेंट कितने से होगा मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 4। फाइनली क्या आएगा 106 प्लस 4 मीन्स स्टार 110। नेक्स्ट टाइम स्टार एलिमेंट के एड्रेस के लिए अप्लाई हुआ, तो जब भी एलिमेंट के लिए अप्लाई करो तो उसे रिप्रेजेंट क्या होगा वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस। चेक कर सकते हो 110 में वैल्यू क्या स्टोर है 6, तो इसके प्लेस पर जस्ट रिप्लेस किया, उसका मीनिंग क्या है इसके प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा 6। लेकिन प्रोसेस कैसे हुआ लाइक दैट। वन मोर थिंग्स, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है इस केस में, सिंपली अगेन मैं इस टर्म्स को फिर से राइट करूँ, मीन्स टर्म्स क्या था इस केस में स्टार ए ऑफ 1 प्लस 2। मीन्स अगर आप कन्फ्यूज हो तो इस केस में आपको नेक्स्ट लेवल पर आपको ओपन करने की जरूरत ही नहीं, मीन्स डायरेक्टली इस केस में ए ऑफ 1 क्या है सेकेंड रो का नेम, ऑलरेडी मैंने आपको जस्ट मेंशन किया है इस ए ऑफ 1 और ए ऑफ 0 की मीनिंग कैसे सेम। जैसे ए ऑफ 0 के प्लेस पर क्या आ रहा है इस 0th रो का एड्रेस, तो ए ऑफ 1 के प्लेस पर भी क्या आएगा ए ऑफ 1 रो का एड्रेस। लेकिन ए ऑफ 1 अपने आप में क्या है वन डायमेंशनल एरे, और वन डायमेंशनल एरे में जब भी इंक्रीमेंट कराते हैं तो इंक्रीमेंट किससे होता है जस्ट साइज ऑफ एलिमेंट, क्योंकि 1D एरे नेम से रिप्रेजेंट करता है एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। यहाँ ए ऑफ 1 के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा इस रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 106, तो स्पेस भी क्या आएगा जस्ट 106। डायरेक्टली भी लिखना पॉसिबल था जस्ट बिकॉज ऑफ That property। जैसे a of 0 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं 100, सिमिलरली a of 1 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो नेक्स्ट टाइम ये 106 जो आपके पास जनरेट हुआ 106 सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, और एलिमेंट का साइज 2 बाइट है तो इंक्रीमेंट कितने से होगा जस्ट 4 से। देन अगेन इस केस में क्या आएगा 106 प्लस 4 इस विच इज स्टार 110, अगेन इस केस में वैल्यू क्या 6। इज द मीनिंग ऑफ टू डायमेंशनल एरे एंड पॉइंटर, मीन्स टू डायमेंशनल एरे के केस में भी ये एक्सप्रेशन भी इंटरनली मेमोरी लेवल पर किस फॉर्म में प्रोसेस होंगे एज अ पॉइंटर्स। क्लियर। नेक्स्ट वन मोर थिंग्स, नेक्स्ट सेशन जस्ट डिस्कस करेंगे हाउ टू एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ 2D एरे यूजिंग पॉइंटर, मीन्स सिंगल पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस करना पॉसिबल, डबल पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस करना पॉसिबल। लेकिन स्पेशली याद रखना डबल पॉइंटर के थ्रू 2D एरे के एलिमेंट डायरेक्टली एक्सेस करना पॉसिबल नहीं, जस्ट अगर आप 2D एरे के एलिमेंट पॉइंटर्स के थ्रू प्रॉपरली एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके इसमें कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड हुआ एरे टू पॉइंटर। जस्ट मैं एरे टू पॉइंटर सेपरेटली डिस्कस करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और हो सकता है आपके लिए न्यू टॉपिक हो।